नमस्कार, भिवानी हलचल परिवार भिवानी वासियों से अपील करता है कि संयम व संकल्प के साथ करें कोरोना वायरस का सामना, खुद भी बचें और देश को भी बचाएं। जन स्वास्थ्य विभाग ने सर्विस स्टेशन को थमाया नोटिस, सीवरेज जाम होने में सर्विस स्टेशन का रहता है अहम हाथ। चलते सामान्य अस्पताल ने उठाया नया कदम, अब सामान्य अस्पताल में साबुन से हाथ धोकर ही मिलेगी पर्ची। एनसीसी कैडेट ने निकाली शहर भर में जागरूकता रैली, लोगों को बांटे मास्क। नगर परिषद द्वारा कोरोना वायरस को देखते हुए उठाए गए ऐतिहासिक कदम, मंगाए गए सैनिटाइजर और मास्क। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने स्थगित की परीक्षाएं, बच्चे और अभिभावक घर पर रहे, अनावश्यक बाहर ना जाएं, कहा बोर्ड सचिव ने। विश्व शांति के लिए किया गया हवन यज्ञ, कोरोना वायरस से जल्द छुटकारे की मांगी दुआएं। वीरवार देर रात भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से बचने के लिए देशवासियों को संबोधित किया। अपने 30 मिनट के संबोधन में उन्होंने आगामी नवरात्रों के चलते जनता से 9 आग्रह किए। ताजा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर और अब खबरें विस्तार से। सीवरेज ब्लॉकेज व पानी की बर्बादी को लेकर भगत सिंह चौक के निकटवर्ती नागरिकों ने शुक्रवार को जनस्वास्थ्य विभाग अधिकारियों को अपनी शिकायत दर्ज करवाई। नागरिकों ने बताया कि आसपास के विभिन्न सर्विस स्टेशन पर ज्यादा पानी की बर्बादी के कारण सीवरेज ब्लॉकेज हो जाते हैं, जिन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। जहां एक ओर पूरा देश कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ शहर के सर्विस स्टेशन बीमारी को न्योता देते नजर आए। भगत सिंह चौक के पास बने सर्विस स्टेशन मालिक को नोटिस थमाया गया, क्योंकि सर्विस स्टेशन पर जब गाड़ियां धोई जाती हैं तो गाड़ियों से निकलने वाली मिट्टी सीधे सीवरेज में जाती है, जिससे सारे सीवरेज ब्लॉक हो जाते हैं और सारा गंदा पानी रोड पर आ जाता है। मौके पर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ राजकुमार मुंजाल ने बताया कि सीवरेज समस्या की लोगों से बार बार शिकायतें मिल रही थी, तथा जिसका मुख्य कारण सर्विस स्टेशन से निकलने वाली मिट्टी भी है। इसी के चलते विभाग ने सर्विस स्टेशन मालिक को नोटिस दिया है और जल्द ही इनके कनेक्शंस भी काट दिए जाने की बात कही। इस सीवर लाइन की हमें शिकायत मिली थी कि इसमें रुकावट है, उसके लिए जब स्टाफ को भेजा गया तो ये लाइन जो है रुकी हुई मिली, और जिसकी वजह हमारी ये 2-3 सर्विस स्टेशन हैं उनकी मिट्टी आने की वजह से, क्योंकि सीवर लाइन अपने आप नहीं रुकती, जब मिट्टी आ जाती है तो ये आगे मैन होल से आगे जाने में रुकावट आती है, और जिसकी वजह से सारी लाइन मेन लाइन बंद हो गई थी, जिसके प्रयास 3-4 दिनों से हम लगातार कर रहे हैं। सुपर सक्कर भी लगा रखी है और करवाए हैं। इन लोगों को भी, सर्विस स्टेशन वालों को हमने नोटिस भी सर्व किया है कि भाई इसको या तो प्रॉपर तरीके से करवाएँ, अगर मिट्टी आएगी तो हम इनका कनेक्शन बिल्कुल काट देंगे। हमने इनको नोटिस सर्व किया हुआ है, अगर फिर भी नहीं होते तो हम इनका कनेक्शन काट देंगे। और हमने म्यूनसिपल काउंसिल भिवानी को भी लिखा है, नगर परिषद को, कि इनके जो है अगर इनके अप्रूव्ड हैं तो प्रॉपर तरीके से इनका जो है कनेक्शन करवाएं, अन्यथा हम काटने पे मजबूर हो जाएंगे। आज भी इन्होंने सड़क पर पानी डाल रखा है, जबकि सीवर मैन और सारे के सारे ब्लॉक हो गए। 3-4 दिन के अथक प्रयास के बाद आज हमारे सीवर लाइन मौके पर खड़े हैं, अभी चालू किए हैं सुपर सक्कर के द्वारा। बहुत अगर आगे भी अगर ये इसी तरह मिट्टी डालते रहेंगे तो ये सीवर लाइन चलाने में विभाग असमर्थ। साबुन से हाथ धोने के बाद मिलेगी मरीजों को इलाज कराने के लिए पर्ची। जी हाँ, यह कहना है चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य का। उन्होंने मीडिया कर्मियों को बताया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए
मरीजों को पहले साबुन से हाथ धोने पड़ेंगे, तभी उनका इलाज हो पाएगा। वैसे तो हर विभाग कोरोना वायरस से बचाव के तौर तरीकों में लगा हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसके चलते ज्यादा ही गंभीर है और इसकी रोकथाम के लिए सामान्य अस्पताल में हर यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं। सामान्य अस्पताल के प्रधान चिकित्सक रघुवीर शांडिले ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते सामान्य अस्पताल की ओपीडी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसमें खांसी जुकाम के मरीज अब ज्यादा आने लगे हैं। इसके चलते अब ओपीडी के दोनों दरवाजों पर दो कर्मचारियों की स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक मरीज जो भी ओपीडी में किसी भी बीमारी के इलाज के लिए आता है, उसके हाथ साबुन से धुलवाकर ओपीडी के अंदर उसे भेजा जाएगा। इससे अस्पताल की ओपीडी में होने वाली भीड़ से भी छुटकारा मिलेगा और डॉक्टर और कर्मचारियों के साथ साथ मरीजों को भी फायदा होगा। सरकार की हिदायत के अनुसार फ्लू कॉर्नर बना रखा है, आइसोलेशन वार्ड बना रखा है। फ्लू कॉर्नर के जो मरीज आम मरीजों में मिक्सअप ना हो, इसके लिए हमने अलग से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उसका अलग से जगह ओपीडी की अलग डॉक्टर बैठा रखा है। उनको हाई हैंड हाइजीन रेस्पिरेटरी एटिकेट्स के बारे में आईईसी मटेरियल लगाया गया है और हैंड वॉशिंग के लिए वॉश बेसिन का प्रबंध किया गया है। जो फ्लू कॉर्नर के आया है उनको हमने अलग से ही ओपीडी सैंपलिंग ली है और अलग से वहीं पर का सैंपल का प्रबंध किया गया है। और जो मरीज क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि हार्ट अटैक के हैं, शुगर के हैं, ब्लड प्रेशर के हैं, उनको हम तकरीब एपिलेप्सी के हैं, उनको हम एक महीने की दवाई दे रहे हैं ताकि वो बार बार अस्पताल में ना आए। और हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी पेशेंट आता है उसको हम पहले हैंड वॉशिंग की ट्रेनिंग दे करके गेट के ऊपर उसको हैंड वॉश करवाएँ और घर में भी वो उसकी प्रैक्टिस को मेंटेन करें। जब भी अपना कार्य हो जाए एग्जिट पे भी हैंड वॉशिंग के वॉश बेसिन लगाएं। देखो अस्पताल तो हमारा 24 आवर खुला रहता है, इमरजेंसी सर्विस तो हमारी शुरू से ही 24/7 खुली रहती है। ये बहुत ही अच्छा कदम है, हम इसका सम्मान करते हैं और ये हमारे इस कोरोना COVID-19 की डिजीज है, इसको फाइट करने में बड़ा कारगर सिद्ध होगा। कोरोना वायरस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए सरकार के साथ साथ प्रत्येक विभाग व संगठन लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ है। शुक्रवार को भिवानी में एनसीसी कैडेट्स ने भी शहर के मुख्य मार्गों व सार्वजनिक स्थानों पर रैली निकालकर आने जाने वाले लोगों को जागरूक किया और मास्क भी वितरित किए। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए एनसीसी कैडेट्स ने शहर भर में जागरूकता रैली निकाली। रैली के माध्यम से एनसीसी कैडेट्स ने लोगों को इस बीमारी से बचाव के प्रति जागरूक किया और लोगों को मास्क भी बांटे। नगर के बिचला बाजार, घंटाघर, रोहता गेट तक इन कैडेट्स ने लोगों को इस वायरस से बचने के उपाय और इस बीमारी के लक्षण बताते हुए लोगों में जागरूकता फैलाई। देती हूँ हमारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को, जिन्होंने इतना सोचा और ये जन जागरण के हिसाब से अपनी रैली से निकले हैं और ये बहुत ही सराहनीय इनका कदम है और मैं सबको सल्यूट करती हूँ। और ये ही एक कारण है जो हमारा भारतवर्ष जिसके लिए प्रसिद्ध है। हर जब वक्त आता है तो ऐसे ऐसे कारनामे कर जाता है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। और जो युवा है वो चाहता है कि हम इस कोरोना जैसे दुश्मन को रोके। भिवानी एक छोटा सा शहर है, यहाँ पर आपस में मिलना जुलना इतना घनिष्ठ होता है, एक भी इफेक्ट होगा तो सब इफेक्ट होंगे, ये इन बात बच्चों को पता है। इस पर ये बैरियर लगाने के लिए जन जागरूक लोगों का ये ध्यान आप उनकी ओर आकर्षित करने के लिए कि पहला काम आप घर से तभी निकलो जब आपको ज़रूरत है, दूसरा आप अपने आप को बचाओ, आपस में आप दूरी बना के रखो, और तीसरा अपने हाथों को मुंह तक मत ले जाओ। और इसी विषय में मैं अब इनसे बात कर रही थी। और चौथा ये है कि अपने चारों तरफ सफाई रखो। और पांचवा ये है कि हम जल की, फल की और अन्न की सबका हम संरक्षण करें। और ये जो बुद्धे हैं जो हम जागृत होते हैं ऐसी विपदाओं में, ये हम कभी ना भूलें। जब हम सामान्य जीवन जीते हैं तब भी हम भूलें नहीं कि हमें सफाई रखनी है, हमने जल का बचाव करना, हमने पेड़ लगाने, हमने खाना वेस्ट नहीं करना है। हम सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी का कार्य करता हूँ। ये सोसाइटी पूरे हरियाणा के अंदर कार्य करती है
कोई ना कोई लक्ष्य, ये हमारा ये लक्ष्य है कि भाई कोरोना वायरस के ऊपर हमने ये अभियान चलाया है। हमारा एक ये मुख्य लक्ष्य है कि भाई हम कोरोना वायरस के ऊपर हम सभी को जागरूक करें और सभी को हम ये बताएं कि भाई कोरोना वायरस से बचने के क्या क्या उपाय हैं। हम बताते हैं कि भाई गांव-गांव जाकर हम फ्री मास्क बांटते हैं, सभी गांव वालों में देते हैं, सरपंच वहाँ मौजूद होते हैं हमारे साथ। गांव पालवास के अंदर हमने बांटे, गांव इधर पलादगढ़ के अंदर बांटे हमने, कोटुमराव गांव है, इधर देवसर है, इधर हम जा रहे हैं। सभी गांव में जा जाकर हम देखते ये अभियान चलाते हैं और बताते हैं कि इस बारे में कि हमें किस तरीके से इसको बचना चाहिए। शुक्रवार को भिवानी नगर परिषद अध्यक्ष रण सिंह यादव ने तुरंत प्रभाव से शहर के सभी शौचालयों को साफ करने व सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजर का छिड़काव करने के आदेश दिए हैं। वहीं उन्होंने परिषद कर्मचारियों को सैनिटेशन पैड व मास्क भी वितरित किए ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। नगर परिषद द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए शहर भर के शौचालयों की सफाई कराई गई तथा प्रत्येक कर्मचारी को मास्क और सैनिटाइजर दिए गए। नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव ने बताया कि नगर परिषद द्वारा हर कर्मचारी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और शहरवासियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए करीबन 1000 सैनिटाइजर मंगवाए गए हैं। उनका कहना था कि जिस भी नागरिक को सैनिटाइजर ना मिले वो नगर परिषद से संपर्क कर सकता है और नगर परिषद द्वारा उन्हें ये उपलब्ध कराए जाएंगे। द्वारा एहतियाती कदम उठाए गए हैं, जितने भी हमने सैनिटाइजर मिले हैं क्योंकि ये भी मार्केट में अवेलेबल ना होने के कारण 1030 सैनिटाइजर मंगवाए। अगर किसी भी शहरवासी को सैनिटाइजर नहीं उपलब्ध होता हो तो हम सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराएंगे। और मेरी सभी शहरवासियों से, मेरी और नगर परिषद वाइस प्रधान की, हम सभी की मिल करके ये पूरी हमारी नगर परिषद टीम की यह इच्छा है सभी को जागरूक करें। और प्रधानमंत्री जी ने जो 22 तारीख को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है, कृपया उसमें सहयोग करें और मेरे सभी भिवानी शहरवासियों से सफाई का ध्यान रखें क्योंकि नगर परिषद हो सकता है हर पॉइंट तक नहीं पहुँच पाए। तो मेरी सभी से अपील है अपने कचरे को घर में रखें या डस्टबिन जो पॉइंट हैं उनके ऊपर रखें ताकि हम सुचारू रूप से उनको उठा सकें और सफाई में हमारा सहयोग करें। क्योंकि एक बार हमारे भिवानी शहर के अंदर अगर यह बीमारी फैल गई तो मुझे नहीं लगता कि यह कंट्रोल में आएगी। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के सभी मित्रों से, सभी पत्रकार साथियों से ज़्यादा इसमें जागरूक करने में हमारी नगर परिषद की मदद करें। और सभी कर्मचारी, हम सभी जनता से एक ही बार बार ये अपील कर रहे हैं, ये जो कोरोना वायरस जो इतनी भयंकर बीमारी चली हुई है इससे बचने के लिए अभी हमारे भाई रण सिंह ने बताया आपको कि जितना भी जो भी उनको जो भी कुछ भी चाहिए, सामान वगैरह, मास्क वगैरह किसी को अगर चाहिए तो नगर परिषद और हमारी टीम मिलकर उसको उपलब्ध करवाएगी। और जनता से ये पूरा हमें उम्मीद है, जनता हमारा सहयोग करेगी तो हम इस बीमारी से निपटने के लिए बिल्कुल 24 घंटे तैयार रहेंगे। और मोदी जी ने जो आह्वान किया है उस पे हम पूरा खरा उतरने का काम करेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय के बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च तक सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। वहीं पूरे देश में कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए बोर्ड अध्यक्ष जगवीर सिंह व सचिव राजीव प्रसाद ने बच्चों को अपने अपने घरों में रहने की सलाह दी है। कोरोना वायरस का कहर पूरे देश में है, हरियाणा में इसे महामारी भी घोषित किया जा चुका है। इसी के चलते हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 19 मार्च से 31 मार्च तक होने वाली सभी परीक्षाओं को हालात सामान्य होने तक स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 3 मार्च से 31 मार्च तक 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित कराई जानी थी। इन परीक्षाओं में 7,41,000 बच्चे परीक्षाएं दे रहे थे, पर कोरोना का कहर इन परीक्षाओं पर भी भारी पड़ा जिसके चलते शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने इन परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला लिया। शिक्षा बोर्ड सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते परीक्षाओं को स्थगित किया गया है और हालात सामान्य होने के बाद इन परीक्षाओं की तारीख नए सिरे से तय की जाएंगी। उन्होंने बताया कि ये परीक्षाएं मौज मस्ती के लिए और इधर उधर घूमने के लिए नहीं बल्कि संक्रमण से बचाव के लिए स्थगित की गई हैं। उन्होंने अपील की कि इस दौरान ना केवल बच्चे बल्कि अभिभावक भी अगर जरूरी ना हो तो घर से ना निकलें और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। हो चुकी परीक्षाओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 3 मार्च से 18 मार्च तक आयोजित हुई परीक्षाओं में अब तक 2,715 नकल के केस दर्ज हुए हैं और साथ ही भारी हस्तक्षेप के चलते 27 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा रद्द की जा चुकी है और 9 केंद्रों को शिफ्ट भी किया गया है। सचिव ने बताया कि परीक्षाओं में लापरवाही बरतने वाले 117 अध्यापकों को रिलीव किया गया है। देखिए, अभी तक 2715 हमने यूएमसी केसेस दर्ज किए हैं बच्चों के ऊपर बनाए हैं जिन्होंने अनफेयर मींस अपनाए हुए थे,
और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा 27 पेपर हमने कैंसिल किए हैं पूरे प्रदेश भर में, 1685 हमारे सेंटर्स थे और उसके अंदर 27 पेपर हमने कैंसिल किया। जो सेंटर शिफ्ट किए हैं वो 9 हैं और इम्पर्सोनेशन के प्रतिरूपण के जो हमारे केस थे वो 30 पकड़े गए हैं और 117 सुपरिटेंडेंट सुपरवाइजर और इन्विजिलेटर को रिलीव किया गया है और शिक्षा विभाग ने 27 को हम देखते हुए उस बनाते हुए 4 को सस्पेंड किया गया जहां उनकी कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता पाई गई पेपर को आउट करने में उन द्वारा ड्यूटी पे कोताही की। सबक तो हमने ये है कि और कुछ जो कमियां रही हैं और कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन लेवल की भी कमी थी जो टीचर्स को हम लोगों ने बताया कि टीचर जैसे मैंने उन्हें सबको जाके मोटिवेट भी किया कि आप गुरु हैं और देश के भविष्य के निर्माण के लिए आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान रहेगा और अगर इस योगदान को उनका जो उत्तरदायित्व को ये समझ जाए तो आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं इस पर आगे लगाम लगेगी जरूर। इन्विजिलेटर सुपरवाइजर अगर ठान ले तो मजाल है कि कोई पेपर आउट हो जाए, पेपर हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वायरल किया गया तो कहीं ना कहीं ये कोताही उन द्वारा की गई है परीक्षा में जिस कारण उनको रिलीव किया गया। 117 केसेज ऐसे हैं और ये बहुत बड़ा एक नंबर है इस बार जिसमें 4 इमीडिएटली शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए 4 को सस्पेंड भी किया है जिसमें प्रिंसिपल लेवल तक के भी ऑफिसर। लोहट बाजार स्थित श्री श्याम प्राचीन मंदिर में शुक्रवार को विश्व शांति व कोरोना महामारी से बचने के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर वातावरण को शुद्ध व बीमारी रहित रखने के लिए हवन में कपूर, लौंग व इलायची आदि की आहुति दी गई। लोहट बाजार स्थित श्री श्याम प्राचीन मंदिर में वीरवार को संध्या समय में विश्व शांति के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। विशेष रूप से कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में जनता को जो परेशानी हो रही है उसे देखते हुए मानव हित में मंदिर के श्रद्धालुओं ने हवन यज्ञ करने का निर्णय लिया जिसमें कपूर, लौंग, इलायची और जायफल इत्यादि की आहुति दी गई। पूरे मोहल्ले से नगर के गणमान्य व्यक्तियों ने पहुंचकर इस हवन में भाग लिया और कोरोना वायरस से वातावरण को मुक्त करने के लिए हवन यज्ञ किया। श्रद्धालुओं का मानना है कि हवन करने से वातावरण तो शुद्ध होता ही है और कोरोना जैसी खतरनाक और घातक बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जगह जगह इस तरह की हवन यज्ञ की जरूरत है। भारत एक पारंपरिक देश है और इस देश में देवी देवताओं का आशीर्वाद जनता को मिलता है, उसी के चलते विश्व शांति और भय मुक्ति के लिए हवन का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने ईश्वर से प्रार्थना की कि जल्द से जल्द पूरी दुनिया से लोगों को इस भय मुक्त वातावरण से छुटकारा मिले। वीरवार देर रात भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से बचने के लिए देशवासियों को संबोधित किया। अपने 30 मिनट के संबोधन में उन्होंने आगामी नवरात्रों के चलते जनता से 9 आग्रह किए। वहीं उन्होंने रविवार को सुबह 7 बजे से सायकाल 9 बजे तक जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की ताकि कोरोना वायरस को हराया जा सके। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, पूरा विश्व इस समय संकट के बहुत बड़े गंभीर दौर से गुजर रहा है। आमतौर पर कभी जब कोई प्राकृतिक संकट आता है तो वो कुछ देशों या राज्यों तक ही सीमित रहता है, लेकिन इस बार ये संकट ऐसा है जिसने विश्व भर में पूरी मानव जाति को संकट में डाल दिया है। पिछले 2 महीने से हम निरंतर दुनिया भर से आ रहे कोरोना वायरस से जुड़ी चिंताजनक खबरें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इन 2 महीनों में भारत के 130 करोड़ नागरिकों ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का डटकर मुकाबला किया है। सभी देशवासियों ने, मेरे प्यारे देशवासियों, अभी तक विज्ञान कोरोना महामारी से बचने के लिए
कोई निश्चित उपाय नहीं सुझा सका है और न ही इसकी कोई वैक्सीन बन पाई है। ऐसी स्थिति में हर किसी की चिंता बढ़नी बहुत स्वाभाविक है। दुनिया के जिन देशों में कोरोना का वायरस और उसका प्रभाव ज्यादा देखा जा रहा है, वहां अध्ययन में एक और बात सामने आई है। इन देशों में शुरुआती कुछ दिनों के बाद अचानक बीमारी का जैसे विस्फोट हुआ है। इन देशों में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। भारत सरकार इस स्थिति पर, इस वैश्विक महामारी के फैलावे के इस ट्रैक रिकॉर्ड पर पूरी तरह नजर रखे हुए हैं। हालांकि कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने आवश्यक निर्णय भी किए और अपने यहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा आइसोलेट करके स्थिति को संभाला है। इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए दो प्रमुख बातों की आवश्यकता है। पहला संकल्प और दूसरा संयम। संकल्प और संयम। आज 130 करोड़ देशवासियों को अपना संकल्प और दृढ़ करना होगा कि हम इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए एक नागरिक के नाते अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। मेरा सभी देशवासियों से ये आग्रह है कि आने वाले कुछ सप्ताह तक, जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें। जितना संभव हो सके आप अपना काम, चाहे बिजनेस से जुड़ा हो, ऑफिस से जुड़ा हो सके तो अपने घर से ही करें। जो सरकारी सेवाओं में हैं, अस्पताल से जुड़े हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, इनकी सक्रियता तो आवश्यक है, लेकिन समाज के बाकी सभी लोगों को, खुद को बाकी भीड़भाड़ से, बाकी समारोह से आइसोलेट कर लेना चाहिए। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह करूंगा कि वो जनता कर्फ्यू का पालन कराने का नेतृत्व करें। हमारे देश में कई संगठन हैं, एनसीसी हैं, एनएसएस हैं, कई युवा संगठन हैं, सिविल सोसाइटी हैं, खेलकूद के संगठन हैं, कई प्रकार के संगठन हैं, धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, सब कोई। सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि अभी से लेकर रविवार तक इस जनता कर्फ्यू का संदेश लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को जागरूक करें। आप ये भी कर सकते हैं, हर दिन 10 नए लोगों को फोन करके आप इस वैश्विक महामारी के संबंध में नागरिक को करने वाले काम
जनता कर्फ्यू की बात उनको समझाएं, उनको बताएं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये जनता कर्फ्यू एक प्रकार से हमारे लिए, भारत के लिए एक कसौटी की तरह होगा। ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत कितना तैयार है, ये देखने और परखने का भी समय है। आपके इन प्रयासों के बीच जनता कर्फ्यू के दिन 22 मार्च को, रविवार को ही, मैं आपसे एक और सहयोग चाहता हूं। साथियों, पिछले 2 महीनों से लाखों लोग अस्पतालों में, एयरपोर्ट पर, दफ्तरों में, शहर की गलियों में दिन रात काम में जुटे हुए हैं। चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, हॉस्पिटल का स्टाफ हो, सफाई करने वाले हमारे भाई बहन हो, एयरलाइंस के कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, पुलिसकर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, रेलवे, बस, ऑटो रिक्शा की सुविधा से जुड़े लोग हो, होम डिलीवरी करने वाले लोग हो, ये लोग अपनी परवाह न करते हुए दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं। आज की परिस्थितियां देखें तो ये सेवाएं सामान्य नहीं कही जा सकती। आज खुद भी इनके संक्रमित होने का पूरा खतरा मोल लेते हैं, बावजूद इसके ये अपना कर्तव्य भी निभा रहे हैं, हर किसी की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये अपने आप में राष्ट्र रक्षक की तरह कोरोना महामारी और हमारे बीच में एक शक्ति बनकर के खड़े हैं। रविवार को यानी जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक, रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनको सैल्यूट करें। पूरे देश के स्थानीय प्रशासन से भी मेरा आग्रह है कि 22 मार्च को 5 बजे सायरन की आवाज से इसकी सूचना लोगों तक पहुंचाएं। उच्च आय वर्ग से भी आग्रह है कि अगर संभव है तो आप जिन जिन लोगों से सेवाएं लेते हैं उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखें। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दफ्तर ना आ पाएं, आपके घर ना आ पाएं, ऐसे में उनका वेतन न काटें, पूरी मानवीयता के साथ, संवेदनशीलता के साथ फैसला लें। हमेशा याद रखिएगा, उन्हें भी अपना परिवार चलाना है, अपने परिवार को बीमारी से बचाना है। मैं देशवासियों को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि देश में दूध, खाने पीने का सामान, दवाइयां, जीवन के लिए जरूरी ऐसी आवश्यक चीजों की कमी ना हो, इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। ये सप्लाई कभी रोका नहीं जाएगा, इसलिए
मेरा सभी देशवासियों से ये आग्रह है कि जरूरी सामान संग्रह करने की होड़ न लगाएं। आप पहले जैसे करते हैं वैसे ही सामान्य रूप से ही खरीदारी करें। यह आवश्यक है कि वैश्विक महामारी के इस वातावरण में मानव जाति विजयी हो, भारत विजयी हो, हम भी बचें, देश भी बचाएं, जग को भी बचाएं। फिर एक बार मैं आग्रह करूंगा जनता कर्फ्यू के लिए, मैं आग्रह करूंगा सेवा करने वालों का धन्यवाद करने के लिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जन स्वास्थ्य विभाग ने सर्विस स्टेशन को थमाया नोटिस, सीवरेज जाम होने में सर्विस स्टेशन का रहता है अहम हाथ। के चलते सामान्य अस्पताल ने उठाया नया कदम, अब सामान्य अस्पताल में साबुन से हाथ धोकर ही मिलेगी पर्ची। एनसीसी कैडेट्स ने निकाली शहर भर में जागरूकता रैली, लोगों को बांटे मास्क। नगर परिषद द्वारा कोरोना वायरस को देखते हुए उठाए गए ऐतिहासिक कदम, मंगाए गए सैनिटाइजर और मास्क। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने स्थगित की परीक्षाएं, बच्चे और अभिभावक घर पर रहे, अनावश्यक बाहर ना जाएं, कहा बोर्ड सचिव ने। विश्व शांति के लिए किया गया हवन यज्ञ, कोरोना वायरस से जल्द छुटकारे की मांगी दुआएं। वीरवार देर रात भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से बचने के लिए देशवासियों को संबोधित किया। अपने 30 मिनट के संबोधन में उन्होंने आगामी नवरात्रों के चलते जनता से 9 आग्रह किए। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।